फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके दोस्त जीत और आज हम सीखेंगे एक सुंदर सा पोस्टर रंगोली। इसके लिए पहले हम सबसे पहले बॉर्डर बनाएं, एक रेक्टेंगल 45 इंच बाय 28 इंच, ठीक है। बीचों बीच एक रेशा लेना है ताकि दोनों साइड जो स्वान है वो दोनों साइड में रहे। सिंपल सा मोड़ के जैसे ड्रॉ करना है। फिर नीचे पानी दिखाना है, ऊपर थोड़ा आसमान, साइड में दो झाड़, नीचे कमल के कलर भर दे। जो स्वान के बैकग्राउंड है वो थोड़ा हम थोड़ा सा लाइट ऑरेंज या जो हल्दी कलर है वो, फिर डार्क ऑरेंज, और फिर ये डार्क ऑरेंज लाइट ऑरेंज को छन्नी में समान मात्रा में लेके इनको ब्लेंड करना है, और जितना जगह बचा है साइड में वहाँ पर रेड कलर भरना है। वो रेड कलर और ऑरेंज कलर को मिलाने के लिए दोनों को फिर से छन्नी में लेना है और इन दोनों को फिर से मर्ज कर देना है, ठीक है। रेड कलर को थोड़ा सा और डार्क करने के लिए रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिला के थोड़ा सा कत्था करके थोड़ा डार्क दिखाना, ताकि थोड़ा सा डार्क दिखे साइड में। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे, दो साइड में खाली जगह था तो यहाँ पर दो झाड़ दिखाए, डार्क ग्रीन इसके ऊपर लाइट ग्रीन से, इस प्रकार के तीन तीन लंबा रेशा, फिर वाइट रंगोली से थोड़ा सा डॉट और उसको फ्लैट करना है। कॉर्नर में ब्लैक कलर से कुछ लाइनिंग देना है डंगाली, और उसके ऊपर वाइट रंगोली से डॉट देके उसको थोड़ा फ्लैट करना है। तो ये जो कॉर्नर साइड है ये डिज़ाइन में पैक हो गया। अभी स्वान ऐसे सफ़ेद कलर का रहता है, इसलिए जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डार्क होना चाहिए, इसलिए जो डार्क ब्लू हमने यूज़ किए स्वान के चारों तरफ। अभी इनको और थोड़ा सा डार्क करने के लिए इनमें और ब्लैक मिलाएं, डार्क ब्लू में ब्लैक मिलाएं, और फिर जो स्वान से लग के जो कलर है वहाँ पर एकदम डार्क किए। फने रंगोली फिलार के सहायता से सफ़ेद कलर भरना है, जो बीच में बड़ा जगह है वहाँ पर अब छन्नी से फिल करना है। फिर यहाँ पर हाथ से ही आउटलाइन करना है, क्योंकि फेविकोल बॉर्डर से लाइनिंग करते तो ये ज़्यादा उभरा हुआ दिखता है, तो पोस्टर में थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए जो आउटलाइन है वो हाथ से ही करना है। फिर इनको शेड देने के लिए वाइट रंगोली में ब्लू मिलाना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इस प्रकार थोड़ा शेड देना है। उसमें थोड़ा सा और ब्लैक मिलाए या थोड़ा डार्क ब्लू मिला के थोड़ा सा और रेशा बनाना है, डार्क देना है। जो इनके चोइस है इसमें ऑरेंज, रेड और थोड़ा सा येलो देना है, और फिर ब्लैक से इस प्रकार के इनके चोइस के साइड में और लग के वो एक आँखें, ठीक है। जो थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर है या स्काई ब्लू कलर, ये नीचे की तरफ फिल करना, ताकि थोड़ा सा ऊपर डार्क नीचे थोड़ा लाइट दिखे। फिर डार्क ब्लू और जो स्काई कलर, इसको छन्नी में समान मात्रा में लेके इस प्रकार इनको मिलाना है, ताकि दोनों कलर ब्लेंड दिखे। फिर से डार्क ब्लू से कुछ लाइनिंग, जो नीचे हमने ब्लू कलर भरे थे उसमें थोड़ा सा वाइट मिला के और थोड़ा सा कुछ लहर, और एकदम हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा वाइट रंगोली। कॉर्नर में जगह था तो यहाँ पर हम लोटस बनाएंगे, कमल के फूल और दो कली, पिंक कलर भरना है, नीचे लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन से लाइन करना है, और ऊपर रेड से थोड़ा रेशा देना है। फिर जो कमल के फूल है इनको थोड़ा सा उठाने के लिए जो नीचे है ब्लैक मिला के, जो डार्क ब्लू था उसमें ब्लैक मिला के और थोड़ा डार्क करना है, ताकि प्रॉपरली दिखे वो कमल के फूल। कि जो पहले जैसे बनाए थे स्वान उसी प्रकार दूसरे स्वान भी बनाना है, छन्नी से फिल करना है, ताकि जो कलर है ये तो समान दिखे, एक समान दिखे,
या हाथ से फिल करेंगे तो उबड़ खबड़ दिखेगा, इसलिए बेटर है छन्नी से छन्नी यूज करें। फिर वाइट में थोड़ा सा ब्लू मिला के उसको करके शेड देना है, जैसे पहले स्वान में हमने शेड दिए थे। उसके बाद थोड़ा सा और डार्क करना है, डार्क करके और कुछ लाइनिंग देना है, ताकि जो लाइनिंग है वो शेड है थोड़ा सा प्रॉपरली डार्क दिखे। ठीक है, जो चोस है उसमें येलो ऑरेंज रेड और साइड में ब्लैक से इसको लंबा बनाना है और उसके साथ में ही आंखें बनाना है। तो ऐसा हाथ से ही आउटलाइन कर देना है वाइट से, ताकि थोड़ा सा प्रॉपरली दिखे वो आउटलाइन। फिर इस साइड में भी कमल, जैसे इस साइड में बनाए थे उस साइड में कमल और जो कली है वो, और बीच में हाथ से ही थोड़ा फ्लैट करके रंगोली छोड़ना है और हैप्पी दिवाली लिखना है। आप चाहे तो फेविकोल बॉटल से लिख सकते हैं, उसमें थोड़ा बारीक लाइन आएगा। तो फ्लैट दिखाना था इसलिए अपने फ्लैट लाइन हाथ से बनाया, और इसको थोड़ा सा उठाने के लिए जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर से जो शेडो इफेक्ट आता है फॉन्ट में, वो शेडो इफेक्ट दिखाइए राइट साइड में। इससे भी जो राइटिंग है वो क्लियरली दिखेगा और थोड़ा सा 3D इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिए हैप्पी दिवाली। अभी लास्ट वर्क है बॉर्डर देना। बॉर्डर देने के लिए हमारे दो लंबा स्केल होना या लकड़ी की पट्टी होना, एक पट्टी रंगोली के ऊपर रखना है, एक पट्टी बाहर रखना है, जितना चौड़ा में बॉर्डर बनाना है वो, और फिर रंगोली फिलर से या छन्नी से इनको फिल करते जाना है। ठीक है, धीरे से इनको उठाना है ध्यान से, ताकि दूसरा रंगोली ख़राब ना हो। सेम इसी प्रकार के चारों तरफ फिल करना है, बॉर्डर बनाना है, और ये बॉर्डर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो वहाँ पर आप मिटा सकते हैं। लास्ट बॉर्डर, यदि लंबा स्केल नहीं है आपके पास, दो स्केल है तो दो स्केल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने नीचे में दो स्केल यूज़ किया छोटे छोटे, ये बन गया हमारा सुंदर सा एक पोस्टर रंगोली। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे आने वाला हर नए क्रिएटिव रंगोली का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। आप सभी लोगों को जीत रंगोली परिवार की ओर से विश यू हैप्पी दिवाली। मिलते इस प्रकार के सुंदर सुंदर रंगोली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।